और कंस ने अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, बोले आप जाओ ब्रज में और यहां यशोदा के नंद बाबा के ये कृष्ण और बलराम है, उनको किसी भी प्रकार से तुम उनको ले आओ यहां लाकर के, फिर मैं मल्ल युद्ध करा दूंगा, कुलिया पीड़ हाथी से करवा दूंगा, या मैं और मेरे यहां सल तोसल ताश ये जो हमारे यहां जो राक्षस है उनसे मरवा दूंगा, ऐसे उसने योजना बनाई। तो क्रूर जी ने कहा, बोले मैं जाऊंगा जरूर प्रभु, आपकी आज्ञा है, आप मालिक हैं, मैं जाऊंगा जरूर। तो कहते हैं कि रथ लेकर के अक्रूर जी महाराज जाते हैं और शाम की टाइम जब पहुंचते हैं तो कुशलक्षेम पूछते हैं, ब्रज के लोग इकट्ठे होते हैं कि कोई आया है, और भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कुशलक्षेम पूछते हैं। अक्रूर जी मन में बहुत बहुत उनकी दास्य भक्ति थी, बहुत बहुत प्रसन्न हुए कि आज भगवान के दर्शन होंगे, आज भगवान के जय मुझे साक्षात होगा, उनके चरण छूने को मिलेंगे। तो अक्रूर जी प्रसन्नता में भगवान को प्रणाम करते हैं मनी मन में, और भगवान कृष्ण ने उनका कुशलक्षेम पूछा है, नंद बाबा को सारी बात बता दी है कि इस प्रकार से कृष्ण ने यज्ञ का आयोजन किया है और आपको और सबको ब्रजवासियों को निमंत्रण भेजा है, और मैं अब कृष्ण और बलराम को मेरे साथ लेने के लिए उसने आदेश किया है। तो नंद बाबा खुश हो गए, चलो कंस ने यह किया है तो हमारे ब्रज से हम गोरस की गाड़ी भर के लेके जाएंगे। तो नंद बाबा तो पूरे गांव के लोगों को ब्रजवासियों को बोलते हैं कि सब अपने घर में घी दूध दही जो भी है आप गाड़ी में रखो, हम यज्ञ में लोगों की सेवा करेंगे, यज्ञ यजन में काम लेंगे। और उधर से सुबह होते ही अक्रूर जी जो है भगवान कृष्ण और उधर जी को लेकर के चलते हैं, तो कहते हैं हजारों हजारों गोपियां आकर के खड़ी हो जाती है, और गोपियां अक्रूर जी से कहती है कि तू अक्रूर नहीं है, तो हमारे प्राणपति परमेश्वर को हमारे प्राणों को खींच के लेके जा रहा है, हमें तू जय यहाँ इस संसार में अकेली छोड़ करके हमारे परम पिया परमात्मा को तुम लेके जा रहे हो और हमें यहीं छोड़ के जा रहे हो, तू अक्रूर नहीं है, तू तो क्रूर है, बड़ा दुष्ट है, हमारे सारे ब्रज को सुना करके जा रहा है। तो भगवान कृष्ण ने समझाया है कि ऐसा कुछ नहीं है। बोले कब आओगे? यशोदा ने कहा कब आएगा? कह मां यूं गया यूं आया, गोपियों से कहा मैं आ जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। और कहते हैं कि सारी गोपियां जो है भगवान कृष्ण के रथ के पीछे पीछे चलती है, तभी राधा जी आती है और आकर के घोड़ों की लगाम पकड़ लेती है, और प्रेमी को अधिकार है प्रेम की गाड़ी को रोकने का। और भगवान कृष्ण खुद नीचे उतर के राधा को समझाते हैं कि मैं जिस लीला करने के लिए आया हूँ मुझे लीला करने दो, मैं जानता हूँ आप मेरे बिना नहीं रह सकते, कि जैसे बिना बादल के दामनी नहीं होती, बिना बादल के बिजली नहीं होती, बिना बादल के आकाश में बिजली नहीं चमकती नहीं गरजती, ऐसे बिना कृष्ण के राधा नहीं रह सकती, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जो लीला करने आया हूँ मुझे जाने दो। तो कहते हैं यमुना जी में आचमन किया है और अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया है, और जैसे डुबकी लगाई अक्रूर जी ने यमुना जी में, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप से अक्रूर जी को दर्शन दिया है, और जो है अक्रूर जी ने मन ही मन में ये जान लिया है, पहले अक्रूर जी के मन में भय था कि ये पापी कंस इस बाल कृष्ण को और बलराम को जो है मार देगा, लेकिन उनको जब दिव्य रूप जब चतुर्भुज रूप से भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया तो अक्रूर जी को भी हिम्मत आ गई है कि एक तो साक्षात नारायण ही है, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ तो कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। कहते हैं कि कंस का जो बगीचा था अंबाबाड़ी, उसमें अक्रूर जी ने रथ ले जाके रोक दिया है, वहां अंबाबाड़ी में जो है पहले से ही नंद बाबा ने गाड़ी दूध दही घी की भर के सारी वहां टेंट व्यवस्था कर दी है, और अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण और बलराम जी को अंबाबाड़ी में वहां छोड़ दिया है। वहां बगीचा जो कंस का था जिसको फूलवाड़ी भी कहते थे वहां पर टेरा दिया है, और अक्रूर ने जाकर के कंस पापी को सूचना दे दी है कि कृष्ण और बलराम अंबाबाड़ी में ठहर चुके हैं। शाम की टेम हुई है, कंस अपनी योजना में
जो है लग रहा है, संलग्न है, योजना की तैयारी कर रहा है। उधर में भगवान कृष्ण को शाम के टाइम में वहां मथुरा में घूमने की इच्छा हुई है, मथुरा भ्रमण करने की इच्छा हुई। तो अग्रूर जी ने कहा, बोले आप रथ ले जाओ। बोले नहीं नहीं, हम पैदल घूमेंगे। तो कहते हैं कि जब भगवान घूमने गए तो जो है ब्राह्मणों ने, दुकानदारों ने, बणियों ने भगवान का बहुत बड़ा स्वागत किया है। बड़े आदर सत्कार के साथ ब्राह्मणों ने, जो है बणियों ने, साहूकारों ने, दुकानदारों ने भगवान को जो है तुलसी दल दिया है, जो है सुपारी दी है, लौंग दी है, भगवान को जो है सारी सारी जो है पूजा की सामग्री के साथ भगवान को पूजा की तरह उनको दिया है। भगवान प्रसन्न हो गए। कहते हैं लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई कि इन इन दुकानदारों ने, बणियों ने मेरी सेवा करी है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के बोली कि सारा बाणिया ने बोली कि थाने देश प्रदेश खटे जावा की जरूरत कौन, थाके घर बैठे अंधन की कमी कौन रह ली, क्योंकि मेरे पति मेरे नारायण को, मेरे श्री कृष्ण मेरे कान्हा, मेरा जो पति है नारायण, जो कृष्ण बन के आया है, जो कान्हा बन के घूम रहा है, तुमने उनका सत्कार किया है, आदर किया है। कहते हैं कि वहां उनको सैन इंद्री को जो है उन्होंने निद्रा में सुख सुंदरता दी थी, इसलिए उसको सुंदर रूप दिया है। और कहते हैं कि वहां धोबी मिला, धोबी मिला और धोबी कपड़े धोकर के लेके जा रहा था। तो कृष्ण भगवान और जो है बलराम के साथ में जो गोप बालकाएं थी, गोप बालक थे, गोपाल थे, वो जो ग्वाला वाल थे, वो ग्वालों ने कहा, बोले कन्हैया हमारे तो वस्त्र थोड़े फटे फूटे हैं, ये अच्छे वस्त्र लेके जा रहा है। तो भगवान कृष्ण ने उनके वस्त्रों को छीन करके ग्वालों को दे दिया है। और पहले तो उससे कहा धोबी से कि ऐ तू ये वस्त्र दे दे मेरे, ये जो ग्वाल है ये पहनेंगे। तो धोबी ने छोटे शब्द भगवान को बोले, ऐ ग्वालिया, तुम ब्रज के ग्वालिया हो, गवार हो, ये तो राजा महाराजाओं के कंवर साहब के पहनने के कपड़े हैं, तुमको नहीं मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ने छीन लिए और ग्वालों को दे दिया। तो धोबी ने अपने अपनी शक्ति दिखाना चाहिए और धोबी को भगवान ने वहीं पर जो है सदक वहीं पर मृत्युदंड दिया है और वहां धोबी का वध लिखा है। ये धोबी वही है जो त्रेता के अंदर राम जी के 14 वर्ष वनवास होने के बाद फिर सीता जी के साथ में जब रात तिलक हुआ, तो ये वही धोबी है जो सीता जी को फिर से वनवास करवाया था। तो भगवान राम ने उस टाइम में संकल्प लिया था कि इस टाइम तो मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं मर्यादा से बाहर नहीं जाऊंगा। सीता माता जब इतनी जानकी माता जब दुखी हुई, तो जानकी जी माता को बताया कि अगले जन्म में इसको दंड दूंगा। तो वो धोबी जिसके कारण सीता माता पुनः वनवास में गई, वही धोबी इस द्वापर में जहां मथुरा में धोबी बन के आया था। और भगवान ने पहले वाले जो काम किए उसमें तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए दंड नहीं दिया। आप देखना भगवान राम की जो लीला है, भगवान राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार कहते हैं और कृष्ण भगवान की लीला अपार है। इधर देखो भगवान कृष्ण जो है इनकी लीला में और राम जी की लीला में फर्क है। राम जी ने क्या किया वो हमको सीखना है और भगवान कृष्ण में यहाँ जो कुछ किया वो नहीं करना है। वो करोगे तो हम सीधे ही हरिओम हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने क्या कहा वो समझना है। यहाँ भगवान ने कृष्ण ने क्या कहा वो समझना है। और रामावतार में भगवान ने क्या क्या क्रिया की वो हमको सीखना है। रामावतार में भगवान ऐसा उनका जीवन चरित्र था कि रावण जैसे दुश्मन ने भी गाली नहीं दी। भगवान राम को रामावतार में किसी ने गाली नहीं दी, रावण ने भी गाली नहीं दी भगवान राम को। और यहाँ कृष्ण अवतार में, यहाँ कृष्ण जी को तो अवतार इस अवतार में कृष्ण जी को गाली दुर्योधन ने दी और शिशुपाल ने तो 101 दी। यहाँ तो कई तो राम जी का चरित्र अलग तरीके का था और उनका तो चरित्र अनुसरण करने का है। और भगवान कृष्ण का जो चरित्र है उसके बारे में हमें ज्यादा विचार नहीं करना है, ये तो पूर्ण कला अवतार है। यहाँ तो भगवान कृष्ण ने क्या हमको शिक्षा दी,
हमें ये धारण करना है। तो कहते हैं कि धोबी का वध करते हैं, उसके बाद में वो कपड़े जब ढीले रह गए, किसी के नाप के नहीं आए, तो एक दर्जी साहब की दुकान आई, दर्जी को उन्होंने कहा, बोले अरे भाई ये कपड़े जो हैं, ये कपड़े जो इनके फिटिंग कर दे। तो दर्जी खुश हो गया और सारे कपड़ों को लेकर के उन ग्वालों के कपड़ों को फिटिंग कर दी सही। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। बलराम जी ने कहा, बोले इनको कुछ आशीर्वाद तो दो। बोले आशीर्वाद दूंगा। बोले क्या? कि मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूँ कि कलयुग के अंदर इन दर्जियों के जितने पैसे का, जितने रुपए का कपड़ा आएगा, उससे ज्यादा इनको सिलाई मिलेगी, उससे ज्यादा इनको मजदूरी मिलेगी। कपड़ों कत्तों के 500 रुपए को, सिलाई का कत्ता के 600 रुपए। तो भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया है। ये दर्जी वही है जो मिथिलापुरी में पूर्व जन्म था और भगवान राम के और लक्ष्मण के कपड़े सिले थे, तो इसकी इच्छा थी कि मेरे हाथ से इनको कपड़ा पहनाऊं। लेकिन भगवान ने कहा इस जन्म में तो आप नहीं पहना पाओगे, अगले जन्म में मैं कृष्णा अवतार लेके आऊंगा, तब आप मेरे को ये कपड़े पहनाना। तो इस जन्म में ये फिर जो है दर्जी बन के आया और दर्जी को भी आशीर्वाद दिया। आगे जब चले तो कहते हैं कि कुब्जा मिली। कुब्जा की बात, कहानी ऐसी है कि कुब्जा चंदन लेकर के, उबटन लेकर के कंस के लिए जाया करती थी। तो भगवान कृष्ण और बलराम घूम रहे थे तो उसके हाथ में चंदन देखा, जब कहा ये कौन है देवी, ए देवी तेरे हाथ में क्या है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तू कहाँ जा रही है सुंदरी। भगवान कृष्ण का ए सुंदरी। तो कुब्जा चिल्लाने लगी, रोने लगी कि इस मथुरा के लोग मेरी मजाक करते हैं, ऐसे तुम कौन हो, तुम भी मेरी मजाक करते हो, मेरे शरीर में कुबड़ है इसलिए मेरी मजाक कर रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा हमारे थोड़ा ये चंदन लगा दे, कि नहीं ये तो मेरे राजा के लिए, कंस के लिए है। लेकिन कुब्जा ने जब भगवान को देखा, कृष्ण और बलराम को, तो वो सुंदर बहुत थे और मकानों के ऊपर खिड़कियों में से, दरवाजे पर ऊपर झरोके से मथुरा की स्त्रियां कन्याएं भगवान को देख देख करके इतनी आनंदित हो रही थी कि हे प्रभु, हे बे माता, इन गढ़वालों कशो गढ़े है, हे भगवान तन टेम लाइए वाले इन बनावा। भगवान की इतनी थी, बोले धन्य है वो, धन्य है भाई जहाँ, जिस गांव में ये रहते हैं, और वो लोग सदा धन्य है जो उनकी बात सुनते हैं, और वो लोग ज्यादा धन्य है जो इनके दर्शन रोज ही करते हैं, रोज दर्शन करते हैं, रोज कथा सुनते हैं, रोज इनकी महिमा सुनते हैं, रोज इनका गायन करते हैं। तो कहते हैं कि कुब्जा ने कहा, बोले मैं तुम्हारे ये चंदन उपटन लगा तो दूंगी, लेकिन तुम नीचा झुको, मैं तो कमर से कुबड़ी हूँ, मैं इसलिए तुम्हारे सिर तक जा नहीं सकती। तो भगवान कृष्ण ने एडी से उनके पैर को दबाया और कुब्जा का जो कुबड़ा शरीर था उसमें से एक सुंदर नारी का बहुत सौंदर्य प्रकट हुआ और कुब्जा अपने आप को देख करके बड़ी सुंदरता महसूस करके भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आपने मेरे पैर पर पैर धरा है, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, अब मैं सदा सदा आपके साथ ही रहूंगी। कुब्जा का प्रसंग के बाद में तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान जो है रंग महल की तरफ प्रवेश करते हैं, उधर यज्ञ आयोजन की तैयारी चल रही थी, यज्ञ हो रहा था और भगवान ने जब प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही धनुष को पकड़ करके इस ढंग से तोड़ा जैसे आकाश में कोई बहुत भयंकर, जैसे ही धनुष भंग हुआ जबरदस्त आकाश में गूंज हुई, मथुरा के राक्षस कंस सब चकित हो गए, चारों तरफ देखने लगे ये कौन आया है, किसने धनुष भंग किया है। और भगवान कृष्ण ने उस धनुष को भंग कर किया तो कहते हैं कि कंस ने कुलिया पीड़ हाथी को आदेश दिया, आकर के भगवान पर जब आक्रमण करता है तो भगवान इस ढंग से वार करते हैं कि उसके दोनों दांत जाकर के जमीन पर टिक जाते हैं और दोनों दांत टूट जाते हैं। एक दांत भगवान कृष्ण ने कंधे पर रखा है, दूसरा दांत
बलराम जी ने हाथ में लिया है, उसके बाद तो फिर कूट, सल, कोसल, तोसल और कई 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 राक्षसों को कंस ने भेजा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सबका वध किया है। और कहते हैं कि जब बड़े बड़े योद्धाओं का, बड़ा बड़ा राक्षसों का जब वध होने लगा तो छोटे मोटे तो सब जो है राक्षस देख करके भागने लगे। और कंस ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, एक तरफ ब्रजवासी बैठे थे, एक तरफ जो है सचिवों की सारी सभा जो है मथुरा की बैठी थी। और तभी भगवान कृष्ण अंदर प्रवेश करते हैं और कहते हैं, मामू बहुत दिनों से मिले हो, थोड़ा गले मिल लूं। और कंस पापी हाथ में तलवार लेकर के और अपने सिंहासन से भाग करके भगवान कृष्ण पर वार करते हैं, और भगवान कृष्ण उसके दोनों पैर उठा करके आकाश में चारों तरफ घुमाते हैं और उसके केस पकड़ करके जमीन पर फछाट करके बोला, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही कंस धरती पर गिरता है, उसके प्राण फकीर उड़ जाते हैं, आकाश में देव सृष्टिया पुष्प वर्षा करती है, चारों तरफ जय जयकार होती है। कंस के पक्ष वाले रोने लगते हैं और भगवान कृष्ण के जो पक्ष के लोग थे वो सब नाचने गाने और कीर्तन करने लगते हैं। और जो कीर्तन नहीं करता, जो नाचता नहीं था, भगवान देख लिया करते थे कि ये कंस के पार्टी का आदमी है, ये कंस के पक्ष का आदमी है, और कंस का सदा सदा के लिए इस धरती से भार उतार देते हैं। यदा यदा ही धर्म से गला निर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मन सर्जाम्यहम परित्राय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो सनातन धर्म की जय हो। रमण गिरधारी गिरधारी
रानी राधे 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 सतगुरु श्याम की जय हो, निर्भय श्याम की जय हो। कंस का सदा सदा के लिए धरती पर पाप का भार उतरा है। देव गंधर्व पितृ यक्ष के अंदर सारी देव सृष्टियां आनंद बना रही है। सब जगह जय जयकार हो रहा है, धर्म की जय जयकार कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण उग्रसेन महाराज को राजगादी पर विराजमान करते हैं। एक कहावत है, तीन लोग से मथुरा न्यारी। ऐसा क्यों कहा? तीन लोग से मथुरा न्यारी है, ऐसी बात क्यों कही है बताऊंगा आपको अभी। इस दुनिया में एक रीत है कि बाप के मर जाने के बाद बेटा ही सिंहासन पर बैठता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उग्रसेन जी महाराज को खुद नहीं बैठे। और उधर जेल में उनके माता पिता बंद हैं, वसुदेव देवकी जी वहां जाकर के जेल से छुड़ा करके उनसे मिले हैं। शिक्षा दीक्षा की उम्र हो गई थी, इसलिए
वो दीक्षा शिक्षा लेने के लिए उज्जैन नगरी में जहाँ कुंभ लगता है वहां ऋषि का आश्रम है, सांदीपनी जो ऋषि हैं उनका आश्रम में भगवान कृष्ण लीला, उनकी लीला है, पढ़ने गए हैं वो तो 16 कलायुक्त अवतार है, लेकिन आपको हमको समझाने के लिए ऐसा उन्होंने किया है कि बिना गुरु के विद्या नहीं आती, बिना गुरु लोगों की कृपा के ज्ञान नहीं होता है। रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होती, ये श्रुति कहती है, लेकिन ज्ञान गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता है। और विवर्त पुराण में तो ये लिखा है कि शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि ये विद्या है गुरु महाराज के जीभ के, जिभ्या के अग्र भाग पर निवास करती है, इसलिए जब गुरु महाराज कुछ कृपा करते हैं तभी ये विद्या उनके सुयोग्य कृपा पात्र शिष्य पर उतरती है, बिन गुरु कृपा के ये ज्ञान होता ही नहीं है। तो किसी न किसी एक बात मेरी मानना, मेरे भाई बहनों एक बात मेरी जरूर याद रखना कि ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है और हमको भगवान ने दिया है, आप बिना गुरु के इस संसार में मत रहो। ये कोई आग्रह नहीं कि आप अमुक अमुक कोई बनाओ, कोई भी संत, कोई भी महापुरुष, जहां आपकी आत्मा जहां भर जाए कि हमारे ये गुरु ठीक है, जहां आपकी आत्मा मान जाए कि हमारे ये यहाँ यहाँ ये ठीक है, लेकिन कोई भी हो संत महापुरुष, मेरा उन ऋषि मुनियों को नमस्ते जो अद्वैत ज्ञान बगस्ते, मेरा उन ऋषि मुनियों को नमस्ते जो अद्वैत आचार्य समझते, कोई भी हो कोई भी संत हो, लेकिन बिना गुरु के नुग्रापने में इस जीवन को खोना नहीं है। रति बिन पाव रति, गुरु बिन नहीं है गति, और पति बिन नहीं है सती, धर आसमान में सतगुरु जैसा और देवा आया कोने ध्यान में, वेद पुराण में हिंदू मुसलमान में। जैसे बिना शक्ति के कोई रति नाम बलवान नहीं होता, पति के बिना जैसे सती नहीं होती, ऐसे गुरु के बिना इस जीव की गति नहीं होती। किसी न किसी संत की, किसी न किसी महापुरुष की शरण में जाकर के और इस जीव का इसी मनुष्य जन्म में आपको कल्याण करना है, उद्धार करना है। गुरु की बड़ाई देवा ऋषि मुनि भेद गाई, कैत बिहारी चरणामाई बैठ जा ईमान में, सतगुरु जैसा और देवा आया कोने ध्यान में, वेद कुरान में हिंदू मुसलमान में। बोले प्रमाण क्या है कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, तो विचार सागर में स्वामी निश्चल दास जी महाराज बहुत एक सुंदर बात कही है, शॉर्ट एंड स्वीट, गागर में सागर भरा है। वेद उददी बिन गुरु लखे, लागे लोन समान, बादर गुरुमुख द्वार है अमृत ते अधिकान। समुद्र को पानी डायरेक्ट पीवे तो खारो जहर है, बोई पानी भाप बन करके बादल बन करके काल थाके थे बरसो, तो था कि फसल के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए अमृत है। और वो ही पानी ते समुद्र से ल्यार फुआरा से चलाता तो खारो जहरो, लेकिन बादलों में जाकर के वाष्पीकरण होकर के फिल्टर होकर के जब बरसा धरती पर तो अमृत हो गया। ऐसे ही जैसे समुद्र खारा जहर है, ऐसे ही दुनिया के शास्त्रों का ज्ञान खारो जहर है। गुरु के द्वारा गुरु मुख से जब फिल्टर होकर के बरसता है ज्ञान, तभी अमृत नाम सुख देने वाला होता है, नहीं तो डायरेक्ट शास्त्र पढ़ वाला, डायरेक्ट शास्त्र पढ़ करके ज्ञान कर वाला बिना गुरु के वे कई प्रकार से कलेवर भी होता देखा, रोगी भी होता देखा, दुखी भी होता देखा और बेमौत मरता भी देखा।